हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये फिलिप्स कंपनी का ये स्पीकर का काम करता है। ये इसका मशीन सिस्टम अलग होता है। तो ये स्पीकर ख़राब था तो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था। ये आज से 10 साल पहले ही कस्टमर ने ख़रीदा हुआ था फिलिप्स का, और इनका रेट भी इसका ज़्यादा ही रेट था, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और ये महंगे है। और यहाँ पर देखिए, ये कुछ यहाँ पर देखिए राइट स्पीकर लिखा हुआ है, और ये माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो मतलब एमसी माइक्रो, छोटा वाला है, 320 माइक्रो सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ब्रांडिंग फिलिप्स का ब्रांडिंग है, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम यही था, इसका स्पीकर जो है धमक के कारण ये फट गया हुआ था स्पीकर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसका स्पीकर को अच्छे से, ये डबल राउंडिंग इसके कॉइल आते हैं धमक के लिए, और ये बूफर वाला स्पीकर मैंने लगाया। देखिए बहुत ही हेवी है, कितना भी धमक लगेगा तो ये जल्दी फटने वाला नहीं है, बहुत ही ये हेवी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप ये नया स्पीकर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो पहले से ही बना हुआ है, स्पीकर रिपेयर कैसे करें। तो ये हमने पूरा निकाल के अच्छे से, और यहाँ पर मैंने नया जितने भी देख रहे हैं पूरा नया डाला है। और ये थोड़ा महंगे आते हैं बूफर वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसके रॉ मटेरियल होते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आप दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से बूफर वाले होते हैं। ये भी बूफर है, तो ये 6 इंची हो गया, ये 4 इंची होगा लगभग दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे रॉ मटेरियल, जैसा स्पीकर मेरे पास आता है वैसा रिपेयर हम करते हैं। अगर आपको करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर वीडियो, तो वहाँ से जाके देख के आप सीख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें सामान और क्या होता है, इसको इसी में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे खोलना कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी प्रकार से हमें इसमें लगाना है, तो ये उल्टा खुलता है दोस्तों, ये बैक साइड है, नीचे वाला है ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका सिस्टम है, फिलिप्स का देखिए ब्रांडिंग किया हुआ है, उल्टा खुलता है दोस्तों। आप भी अगर आपके पास ये सिस्टम रिपेयर होने के लिए आता है, अगर आपके पास खुद है रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखें कि उल्टा रख के ही खोले। ये खुलने का तरीका इसका उल्टा ही, यहाँ से देखिए निकल जाता है। तो यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से स्पीकर लगाना है, और यहाँ मैंने इसके जो भी था बोल्ट रख दी, खोलने के बाद ये बोल्ट रख दिया था। तो हम सभी सेटअप कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें लगा क्या है दोस्तों, ये इसकी देखिए, ये साउंड के लिए ऐसा कुछ इसका सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि इसकी बेस जो है वो बहुत धमक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इधर जो फिलिप्स वाले ने डिज़ाइन किया है, इसके कारण ही कुछ मतलब अलग साउंड आता है इसका। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पर स्पीकर लगाते हैं कुछ चीज़ और मैं बता दूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही हेवी है। ये पता नहीं कैसा मटेरियल यूज किया, बहुत ही हेवी है। तो ये लगाने और निकालने के लिए दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार से सिस्टम है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं, और ये देखिए ओपन हो गया कुछ इस प्रकार से, ये सीधा यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें लगा देना है। जितने सारे पेंच हैं वो भी लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे चलिए, हमने इसका सभी बोल्ट टाइट कर लिया है, अब इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्यूटर का है, तो ट्यूटर का भी आप यहाँ पे माइनस प्लस देख के लगा दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा छोटा सा आपको, ये देखिए प्लस का निशान है और ये माइनस का है। तो इसी प्रकार से करें ताकि इसकी साउंड जो क्वालिटी हो क्लियर के साथ आए। तो यहाँ पर हम रेड वाला यहाँ लगाएंगे और ब्लैक वाला यहाँ पर सोल्डिंग कर देना होगा हमको। के भी देख लेते हैं, ये देखिए कभी उखरेगा नहीं, बहुत ही हेवी है, टूट जाएगा लेकिन उखरेगा नहीं। तो हमें कुछ इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग किया हुआ है इसे फंसाने का, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको फंसा लेना है। ये देखिए हमारा ये सेटअप हो गया है, हमको एक गांठ लगाने लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ पे अगर गिर जाता है बाई चांस ये तार, तो स्पीकर से लग चुके तो हमारा वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा कुछ फिटिंग इस प्रकार से हो गया है। तो हम पहले देख लेंगे हमारा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको होम थिएटर में भी आपको हम चला के दिखाने वाले हैं, तो पहले हम इसको बैटरी पे देखते हैं कि हमारा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें चेक करने के लिए कुछ इस प्रकार से एक बैटरी ले लेना है कोई सा भी, और इसमें माइनस प्लस नहीं देखना पड़ता है, थोड़ा सा भी घर की साउंड आता है तो ये हमारा सिस्टम ओके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका आवाज़ आ रहा होगा,
इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको कस देंगे। क्या करेंगे, फटाफट से इसको लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से सेटिंग करना पड़ता है इसको, इधर उधर होगा तो ये सेटअप नहीं हो पाएगा सही से। तो हमें बहुत ही दोस्तों इसे अगर सेट करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से ही इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेटिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाली ग्रिप है, कुछ इस प्रकार से बीच वाली ग्रिप आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी में हमको ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ भी लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाए, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से थोड़ा लगाना है, इनको बेटर है। ये बराबर सेटिंग हो गया, इसको प्रेस करके लगा लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने सेट कर लिया है, अच्छे से हमारा सेटिंग हो गया है। देखिए ये अगर कुछ इस प्रकार से वायर हमने निकाला है, और इसको होम थिएटर में भी चला के दिखाने वाले हैं दोस्तों आपको। इसकी देखिए बेहतर क्वालिटी कैसा साउंड रहता है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको अब जितने सारे बोल्ट है कुछ इस प्रकार से बोल्ट लगा लेना होता है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसका जो कुछ इस प्रकार से ये आते हैं, ये क्या होता है, ये इसके पैर है दोस्तों। यहाँ अगर रखेंगे तो ये आराम से ये बैठ जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए सब इसके ऊपर ये रबर होता है, यहाँ देखिए रबर लगाना है इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रबर आते हैं, तो आप इस प्रकार से इसमें रबर लगा दे। और ये देखिए अब इसी प्रकार से हमें सभी को सेटिंग कर लेगा, वो हमारा ओके हो गया है। अब इसको हम चेक करके दिखाने वाले, पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अंदर जाएंगे एक रो ये, और ये स्टैंड के लिए आएगा जो इसके गोरा बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए चारों बोल्ट हमें कुछ इस प्रकार से लगा देना है इसमें। तो चलिए हमने इसको टाइट कर दिया अच्छे से सभी बोल्ट को। अब हमें स्टैंड के लिए भी बोल्ट चाहिए होगा एक, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसके जो पैर है इस पैर में लगाना पड़ेगा। ये स्टैंड हो गया इसके जिस पे रुकेगा ये। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी बोल्ट हमें कस लेना है। देखिए कैसे कैसे इसमें बोल्ट निकला था, पता नहीं चलता कि खोले कहाँ से। ऐसे लग रहा था ये स्टैंड का ही है, लेकिन फिर भी मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा खोलने के लिए इसका। तो अगर आपके पास भी अगर ये शॉप में आता है रिपेयर होने के लिए, तो ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं इसमें, सिर्फ स्पीकर का ही इशू आते हैं, क्योंकि मेन इसके स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर हो सकता है आपको नया रिपेयर करके लगाना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे वीडियो है, अगर आप चाहें तो कैसे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रॉ मटेरियल है, ये देखिए इसके रॉ मटेरियल कुछ इस प्रकार से आते हैं सभी साइज बाई साइज। तो आप ये देख के वीडियो में आप रिपेयर कर सकते हैं, अगर खुद का भी है तो भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पैर भी पहले से ही कम था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके पैर भी पहले से नहीं था तो एक्स्ट्रा इसका फ्लिप्स का पैर मेरे पास आएगा नहीं, इसके जो स्टैंड वाले ये रबर। तो हमें कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन डाल के यहाँ पे देखिए सोल्यूशन थोड़ा डाल देना है, और कुछ इस प्रकार से रख के चिपका देना है, तो ये चिपक जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको अब ये जो जाली होते हैं ये भी बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसके अच्छे हैं, ये रबर से बना हुआ है। तो हमें अब कुछ इस प्रकार से इसको फंसा देना है आगे से, तो देखिए बस कुछ इस प्रकार से हमें फंसा देना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो इसको फ्रेंड्स होम थिएटर में लगाने के लिए आपके पास कुछ इस प्रकार से कनेक्टर एक होना चाहिए। ये देखिए एक यहाँ पे वायर लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, कनेक्टर लगा लेना होता है। देखिए एक को मैंने इसमें स्क्रू में टाइट कर दिया है, और ऊपर से एक सोल्डिंग मार दिया है ऊपर से यहाँ पे देखिए। अब चाहे तो इसको दोनों वायर को अंदर लेके इसको अच्छे से इसको प्लास से प्लायर से या पकड़ से मोड़ भी सकते हैं इसको, तो ये हैवी हो जाएगा, ऐसे भी हैवी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्टर लगा देते हैं। तो ये हमारा देखिए ये होम थिएटर में एक कनेक्ट आराम से हो जाएगा। आप चाहे तो इसको होम थिएटर में भी बजाए, मेरे को होम थिएटर में लगाना था इसलिए मैंने इसमें कनेक्टर लगाया था। अगर आपको होम थिएटर में नहीं लगाना है तो आप जैसे मर्जी वैसे बजा सकते हैं वायर लगा के। तो चलिए हम इसको बजाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये ब्लूटूथ दूसरा वाला जो हमने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है, और ये हम ज़्यादा गाना आपको नहीं चला के दिखाएंगे क्योंकि हम खुद सुनेंगे इसको ज़्यादा, क्योंकि हमारा वीडियो में कॉपीराइट आने का चांस रहेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने होम थिएटर में लाइन आ गया है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको ये देखिए ये कॉर्ड है ना जो लगा लेना है यहाँ पे, देखिए पीछे लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसका इंस्टॉल कर दिया है, ये जो फिलिप्स वाले हैं बूफर का। अब यहाँ पे देखिए हम इसको देते हैं आवाज़, और ये किस तरह का आवाज़ है वो भी हम देखने वाले हैं। देखते हैं, ज़्यादा साउंड नहीं देंगे, देखते हैं इसकी आवाज़ क्या क्वालिटी कैसा है। तो चलिए हम इस गाना को करते हैं चालू,
और यहाँ पे देखिए तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब इसकी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा है, पूरा मीठा मीठा साउंड है और धमक में एक ही स्पीकर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा साउंड है तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे यही बताना था आपको कि बहुत ही ये बेहतरीन क्वालिटी फ्लिप्स का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। फिर आपसे नए वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।